Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश टेस्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। इस स्थिति में आप लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आपको पता है कि समस्या किस लेवल की खड़ी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं अपने, ऐसा ना हो कि कोई और 19-20 बात हो। इसलिए दोस्तों अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी तो सिर्फ यही कहा जा सकता है। तो चलिए आज के ब्लैक मैजिक शो में हम लोग देखेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है दोस्तों, अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या को लेकर। दैट मीन्स इन सेंटर, इन रेडियस और सर्कम रेडियस, ठीक है, के पॉइंट्स से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस के पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सर्कल और सर्कम सर्कल पहले तो होता क्या है, पहले तो उस चीज को देख लेते हैं, फिर उसकी रेडियस को लेकर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन को, आज के ट्रिक को। इन सर्कल का मतलब होता है, सपोज कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके अंदर अगर एक सर्किल बना दिया जाता है, अगर ये वृत्त है तो दैट मीन्स ये इन सर्किल है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक अंदर की तरफ अगर एक वृत्त बनाया जाता है, इसको इन सर्किल बोला जाता है। और ये इसकी रेडियस होती है और इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। अगर यहीं पर अगर हम बात कर दें सर्कम सर्किल की, यहीं पर अगर हम बात करें सर्कम सर्किल की, तो किसी भी ट्राइंगल के काम करते हैं सर्किल बना लेते हैं। पहले ठीक है, ये सर्कम सर्किल है। ये कैसे सर्किल है दोस्तों? सर्कम सर्किल है ABC, ठीक, ABC। और वो कह रहा है कि इसकी रेडियस थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर है इसका और ये रेडियस है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सर्किल की रेडियस को लेकर और सर्कम सर्किल की रेडियस को लेकर। अब दो तरीके की कंडीशन होती है दोस्तों यहां पर मेनली एग्जाम्स में, उन दोनों कंडीशंस को मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वॉइस क्लियर आ रही है भाई मेरी? आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? चलो क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, गुड मॉर्निंग भाई सुधांशु सिंह। अब यहां से चीजों को समझ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी तो मैं एक कॉमन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसकी मुझे साइड्स दी गई हैं, ठीक है। कॉमन ट्रायंगल का मतलब है कैसा भी हो सकता है वो, जिसकी साइड्स दी गई है। तो अगर मैं दोस्तों इन रेडियस की बात करता हूं, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस की बात करता हूं, तो इन रेडियस का मतलब हो जाएगा स्मॉल r, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों डेल्टा अपॉन s। अगर मेरे पास साइड दे रखी है, सपोज एक ट्राइंगल बना लेते हैं और एक ट्राइंगल की साइड हमारे पास कितनी दे रखी है, 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 दे रखी है। अभी ट्राइंगल कैसा है, अभी इसकी दिमाग मत लगाओ कि सर राइट एंगल है क्या है, साइड दे रखी है बस। जस्ट मुझसे कहा कि सर इन रेडियस बताइए, दैट मींस इसके इन सर्कल की रेडियस बतानी है ये, और इस रेडियस को बताना है स्मॉल आर को। तो आप कहोगे सर डेल्टा अपॉन एस, यहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और
एस हो जाता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एरिया, अगर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता तो हीरोज फॉर्मूला से एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीरोज फॉर्मूला हो जाएगा रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज जैसे मुझे इस ट्रायंगल का एरिया प्रॉपर्टी नहीं पता कि ये ट्रायंगल कैसा है, तो मैं इसका पहले तो डेल्टा निकालने की कोशिश करूंगा, डेल्टा मतलब एरिया। तो मैं करूंगा कि पहले एस निकाल लेते हैं, तो एस क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, पाँच और चार नौ और तीन बारह बटे दो, दैट मीन्स छः, एस की वैल्यू छः आ गई। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा दोस्तों छः तिया अठारह दूनी छत्तीस और पाँच है अपने पास, सॉरी पाँच नहीं आएगा, सिक्स वन आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा वन। तो इसका एरिया कितना आ गया, छः में से तीन गया तीन, छः में से चार गया दो, छः में से पाँच गया एक, तो छः तिया अठारह दूनी छत्तीस, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा सिक्स। तो एरिया तो मिल गया दोस्तों सिक्स, और एस कितना मिला है, एस भी आपके पास सिक्स है, तो आप कह सकते हो कि जो इन सर्कल की रेडियस है वो वन आ जाएगी। आर की स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी दोस्तों, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, सारे लोग बताएंगे इन रेडियस क्लियर है, बोलो इन रेडियस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो ये देखा, इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। इन रेडियस क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की इन रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, डेल्टा अपॉन एस। बोलो क्लियर। अगर हम यहीं पर बात करें सर्कम सर्कल की रेडियस की, सर्कम सर्कल की रेडियस की, ठीक है, तो यहीं पर इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है, तीन चार और पांच ऐसे करके कर लेते हैं, तीन चार और पांच, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी किसी भी ट्राइंगल की, जब साइड दे रखी होती है, तो होती है ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। तो दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर फाइंड करी थी सिक्स, डेल्टा की वैल्यू सिक्स फाइंड करी है अभी हमने, तो ए बी सी का मतलब हो जाएगा थ्री इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन फोर डेल्टा, डेल्टा का मतलब कितना हो जाएगा सिक्स, चार से चार क्लियर, तीन से दो बार, तो दैट मीन्स फाइव बाई टू, और मैं कह सकता हूँ टू पॉइंट फाइव, जो भी है सेंटीमीटर जो भी यूनिट आएगा। तो दैट मीन्स कैपिटल आर के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज कर लेंगे, ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, क्लियर है। इतनी बात बताओ, 2.5 सर्कम रेडियस, क्लियर। इन रेडियस भी समझ गए, सर्कम रेडियस भी समझ गए, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। तो हमारे पास दो चीजें आ गई इन रेडियस, देखो एक बार ध्यान से समझ लो, इन रेडियस के लिए ये आ गया और सर्कम रेडियस के लिए ये आ गया अपने पास, ठीक। अब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब क्या करेंगे। ये तो हमने देखा कि साइड दे रखी है, वो अभी उस पर दिमाग हटा देना कि वो सर तीन चार पांच भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के लिया है, वो क्यों लिया है वो अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। वो तो मैंने ये इसलिए लिया कि तीन साइड है, अगर आपके पास दे रखी है तो आप इस तरीके के फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये अपने पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर दोस्तों किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस की अगर हम बात करेंगे, तो इन रेडियस हो कितना जाएगा दोस्तों, इन रेडियस हो कितना जाएगा, ये चीज देख लीजिए, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई टू। समझ में आ रही है कहानी, बोलो, परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई टू, ये क्या आ जाएगा, इन रेडियस आ जाएगा। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था मैंने, तो मुझे एक बात तो पता चल गई, सर तीन चार पांच क्या है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा,
तीन चार पांच मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई टू। दोस्तों वन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट कंडीशन क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्लियर है? तो दो फॉर्मेट सीख लिए हमने इन रेडियस फाइंड करने के, इन रेडियस फाइंड करने के दो फॉर्मेट। अब अगर मुझसे बात करी जाती है कैपिटल आर की इसी ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, इन रेडियस तो ये आ गई। अगर सर्कम रेडियस की बात करी जाएगी तो मैं सीधे सीधे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई टू कर दूंगा, मतलब हाइपोटेनियस का हाफ ये हो जाएगा। बोलो इतनी बात बताओ जरा जल्दी से, फटाफट से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, कोई डाउट कहीं से कहीं तक भी जल्दी से बता दो। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? किसी को किसी भी तरीके की यहां तक कोई समस्या? मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी समस्या होगी। बोलो जरा जल्दी से, अरे बोलो हाँ या ना। डन? क्लियर? एवरीथिंग इज ओके? तो दोस्तों ये दो फॉर्मेट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, बस इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एच बाई टू हो जाएगा, एच बाई टू हो जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है हाँ या ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इधर पॉइंट क्लियर है फटाफट। ओके, एवरीथिंग इज ओके? चलिए अगर चीजें ठीक हैं तो अब आपके पास सामने इन रेडियस सर्कम रेडियस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास अगर पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप इन रेडियस के लिए डेल्टा अपॉन एस, सर्कम रेडियस के लिए एबीसी अपॉन फोर डेल्टा, डेल्टा क्या है यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया है, इस फॉर्मेट को यूज करके आंसर दे सकते हो। दोस्तों इस फॉर्मेट को यूज करके आंसर दे सकते हो। बोलो जरा जल्दी से, क्लियर है हाँ या ना, जल्दी से बताइए, पॉइंट क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके? बोलो क्लियर? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूं, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी चीज मेरे दिमाग में क्लिक हुई है, बहुत ही प्यारी सी चीज एक दिमाग में क्लिक हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एन सर्कल की रेडियस, दैट मीन्स कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एन सर्कल की रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस में क्या रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर मैं किसी दिन डिस्कस कर लूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा कि क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए साइड निकालना हो तब देखो वो फिर अलग प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। देखो इस मैंने क्या बताया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है इन रेडियस का, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उसकी तरीका बताया कि किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, फॉर्मूले लग के भी तरीके हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज लगती हैं पूरी की पूरी, वो कोई इशू नहीं है। अभी उस बात को हटा दो, फिर वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे आ जाएगा कि ट्राइंगल क्या है, वो उस पर परपेंडिकुलर है या नहीं है, या फिर वो उसका किस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, फिर हाइट निकाल के, वो अलग विषय है, ठीक है, वो अलग विषय आ जाएगा साइड फाइंड करने के लिए। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं दोस्तों, मिलेंगे 11:30 बजे नई क्लास में एक, ठीक है, टाइम एंड वर्क का सेशन है, और कल मिलेंगे एक धमाकेदार फिर से ट्रिक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और उसी के साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि IBPS प्योर SBI PO की लाइव कोचिंग चल रही है, और IBPS क्लर्क के लिए भी दोस्तों, IBPS क्लर्क के लिए भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इस क्लास में भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसी के साथ साथ एक साल का जो पास है वो जस्ट 299 रुपीज़ में मिल रहा है, इसमें आप लोगों को 310 एग्जाम से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल रहा है, एक साल के लिए ये वैलिड है।
तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।